नमस्कार दोस्तों, असली मसाले सच सच MDH MDH ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। आज सुबह एक दुखद खबर आई। MDH के ओनर पद्म भूषण श्री धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया। तो आइए जानते हैं किस प्रकार चौथी कक्षा तक पढ़ाई कर इन्होंने MDH जैसी 1500 करोड़ की कंपनी को बनाया। धर्मपाल गुलाटी, जो कि दादाजी के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जिक्र पूरे वीडियो में हम दादाजी के नाम से करेंगे। इनका जन्म 1923 में पिता चुन्नीलाल और माता छनन देवी के घर सियाकोट में हुआ, जो आज पाकिस्तान में आता है। कक्षा पांचवी में अपनी पढ़ाई छोड़ दादाजी अपने पिता चुन्नीलाल के साथ छोटे से बिजनेस में हाथ बटाने लगे। वो आईने, कपड़े और साबुन जैसी चीज़ें बेचा करते थे। MDH महाशियान दिहाटी की नींव श्री चुन्नीलाल गुलाटी जी ने 1919 में रखी थी। भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त इन्हें अपना बिजनेस छोड़ भारत आना पड़ा। दादाजी उस वक्त महज 23 साल के थे। जेब में 1500 लिए भारत आने वाला ये लड़का भविष्य में 1500 करोड़ के बिजनेस का मालिक होने वाला था। 650 रुपए का टांगा खरीद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से बड़ा हिंदू रोड दो आने में चलाया करते थे। कुछ समय बाद इन्होंने अपने टांगे को बेचकर अजमल खान रोड में अपने पिता के बिजनेस MDH की फिर से नींव रखी। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई साथ पटेल के साथ मिलकर 1953 में दिल्ली में पहली मॉडर्न स्पाइस स्टोर की शुरुआत की। इसके बाद MDH बढ़ता ही चला गया। दादाजी को 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आज MDH मसाला 100 से भी ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये कॉमर्शियल जिंगल आज भी सबके जुबां पर है। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ MDH के कॉमर्शियल के लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।